जी होपफुली आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से, मैं इसीलिए बीच में गायब हो गया कि आप लोग खोल के भी बात कर सके। फिर मैं आगे बैठा हुआ भी था तो मैं कोई जो अनाउंसमेंट वगैरह करनी थी जो है वो उससे रिलेटेड कुछ मैसेज वगैरह बना रहा था। तो आज वैसे तो शेयर कर ही देना है और शायद हमें पोस्ट बनाते बनाते टाइम लग जाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस कैंपस के बैक साइड पे जो लेन है यहाँ से 2 मिनट की वॉक है, तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि एक दो कनाल का एक एक्स्ट्रा कैंपस जो है वो हमने हासिल कर लिया है। और वो फीमेल डोमिनेटेड कैंपस, फीमेल ओनली कैंपस नहीं, जैसे ये बॉयज़ ओनली है, फीमेल ओनली पे तो ज़ाहिर है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है फीमेल्स की, लेकिन वो फीमेल डोमिनेटेड कैंपस जिसमें एक फ्लोर पूरा फीमेल्स के पास दो कनाल का जो सेटअप है, और बाकी जगह पे जहाँ ज़रूरत पड़ने पे मजबूरन को क्लासेज हों तो उसमें भी जो है वही वाली बात है, जैसे आगे वाली साइड पे फ़ीमेल पीछे मेल, और मतलब वही बात है कि वहाँ लड़के सहम सहम के डर डर के चल रहे होंगे कि कोई कोई लड़की उन्हें ना छेड़ दे या इस तरह से करके, क्योंकि वो फीमेल फीमेल डोमिनेटेड कैंपस होगा तो वो जो है ना मतलब ख़वातीन को अपने हकूक प्रॉपर मिलें। तो कोशिश यही है कि मतलब इंटरनेट भी पता नहीं क्या क्या चल रहा था, जी ये खवातीन के दुश्मन हैं ये लोग और वो इस तरह से करके, हमें असल में ना उनको इनडिसेंट एनवायरनमेंट देते हुए डर लगता है। फॉर एग्जांपल अभी बाहर थोड़े से लोग इकट्ठे हो गए थे, इतना रश हो गया था कि कोई भी बंदा बगैर टकराए नहीं गुजर सकता था वहाँ से, हमें नहीं इस तरह का माहौल अच्छा लगता कि बहुत शदीद रश हो और उसमें पर खवातीन बेचारी बैठ के सोच रही हों कि सारे बॉयज़ हट जाएँ फिर हमारी बारी आए, फिर आपको पता है कमरों में भी बड़ी कंजेशन हो जाती है, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जिस तरह के हमने टाइम टेबल्स बनाने होते हैं जिस तरह से लोगों को, तो वो मतलब बॉयज़ के साथ तो और तरह से चल रहा होता है। पिछले सेशन में मेरी रात 8:30 बजे भी क्लास होती थी, अब वो गर्ल्स के साथ ज़ाहिर है उस तरह से नहीं कर सकते। तो जब हमने उन्हें कहा कि जी ये भी हमारे कैंपस के मसले हैं तो हम सिर्फ बॉयज़ को एडमिशन देंगे, तो वो भी बड़ी परेशान हो गई। तो हमने उस वक्त भी उनसे ही वादा किया था कि हम ढूंढ रहे होंगे, अगर हमें सेशन अगले सेशन आने से कोई पहले पहले यानी अगस्त के एंड तक मैंने कहा था कि अगर हमें कैंपस मिल गया तो हम कोशिश करेंगे, तो अब कैंपस मिल गया तो उसमें एक दफ़ा एक कोशिश करेंगे कि क्या फ़ीमेल्स को हम एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ अच्छी तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, रादर देन उनको हम इनकार कर दें और रादर देन उनको उतना अलाउ कर दें जितना उसके बाद कैंपस का निज़ाम सही ना हो। तो ये कैंपस बॉयज़ ओनली के तौर पे चलता रहेगा और पीछे के कैंपस में हम ख़वातीन के लिए एक सेपरेट एरिया बना के एक डेडिकेटेड उनका एरिया जहाँ उनकी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग, अपना स्टडी एरिया, अपना कॉमन रूम, अपना व्हाट्स एवर, मतलब वही पूरा एक मतलब हाफ ऑफ द कैंपस डेडिकेटेड होगा और बाकी हाफ में जो है वो जो क्लासेज होंगी उनमें से कुछ अगर को क्लासेज बनेंगी, जाहिर है जो कमर्शियल वजूहत की वजह से बनानी पड़ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल PRC या PRC के एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 5 खातून आ जाएंगी, अब 5 खवातीन पर तो नहीं मतलब बैच स्टार्ट हो सकता, तो इस तरह से हो रहा होगा। और वो तकरीबन अगर चहलकदमी करते हुए यहाँ से जाएँ तो 2 मिनट की वॉक है, कोशिश ये की है कि वो इस तरह से हो कि दोनों कैंपस आपस में कनेक्ट हो जाएं। यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे थे, हमारा पोस्ट रिजल्ट का टाइम टेबल नहीं बन रहा था कुछ और सब्जेक्ट्स, तो यहाँ के कुछ सब्जेक्ट्स भी वहाँ ऑफर हो रहे होंगे, कुछ कम्बाइंड होगा, फिर जो जवाद साहब की यहाँ पे क्लासेज हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग मतलब वेरी फर्स्ट टाइम खवातीन के लिए एक एक ऑप्शन दी जाएगी, वो उससे पहले सिर्फ ऑनलाइन में एडमिशन ले रही होती थी, फिज़िकल में ज़ाहिर है जवाद साहब की अपनी एक प्रेफरेंस है और वो मतलब उसको डिसेंट नहीं कंसिडर करते, मैंने दरमियान का एक रास्ता निकाला है कि जिस तरह से कैंपस में इन कैंपस लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होती है उस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग की क्लास जो है वो वहाँ पे ख़वातीन के लिए हो रही होगी और वो क्लास ख़वातीन ओनली की होगी। अगर किसी बॉय को लाइव स्ट्रीमिंग में एडमिशन लेना है तो ये कैंपस मौजूद है, यानी मेजोरिटी एडमिशन यहाँ हो रहे होंगे, जो इस कैंपस का ओवरलोड होगा कुछ PPE के बैजेस, कुछ PRC के बैजेस, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो दूसरे कैंपस में जा रही होंगी, उनमें से कुछ को क्लासेज होंगी कुछ को क्लासेज नहीं होंगी, डिपेंडिंग अपॉन मतलब वो उसमें हमारी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि ये को हो और ये को ना हो, हम टाइम टेबल के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे जो चल जाए तो वो यहाँ पे चल रहा होगा और जो टाइम टेबल हमें अलाउ नहीं कर रहा होगा जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली पोस्ट रिजल्ट काफ़ी सारा और फास्ट ट्रैक मेनली उसी कैंपस में हो रहा होगा क्योंकि ये कैंपस ब्लॉक हुआ हुआ होगा तब, और इसी तरह से PPE और जो PRC है उसमें मिक्सिंग होगी, कुछ बॉयज़ ओनली बैजेज होंगे कुछ हाइब्रिड बैजेज होंगे जिसमें, और उसमें मैं फिर कोशिश ये करूँगा कि बॉयज़ को भी साथ साथ एजुकेट करते रहें कि आपने भी डिसेंसी का ख्याल रखना है, तो मतलब एक मिड वे सोल्यूशन निकाला है, ऑल दो मतलब कह रुलते गए हैं पर चस्प पड़ी आई है वाला मामला हुआ है, तो वो जाहिर है इस विसिनिटी में कैंपस भी बड़े महंगे होते हैं, फिर जो हमें जब मिला तो वहाँ पे कमरे भी मतलब जाहिर है एक वो दो कनाल की कोठी टाइप होती है, तो अब हम उसमें पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन करवा के कुछ क्लासरूम्स भी इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे क्लास हो सके। अचानक से आपको देख के ये मेरे जहन में आया क्योंकि मैं बैठ के भी ना उसी का मैसेज टाइप कर रहा था, तो बात जहन में थी, अनाउंसमेंट में कुछ और करनी थी।
असल अनाउंसमेंट कुछ और करनी थी, तो वो आप लोगों के चेहरे पे एक्सपेक्टेशन देख के कि वो जो है ना, क्योंकि सेशन की सुबह से मुझे वो कह रहे हैं कि जी आज तो पेपर ख़त्म हो गए, आपने कुछ अनाउंसमेंट तो करनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस तरह का कैंपस बन गया है कि हम उसको वॉकिंग डिस्टेंस पे, दिस कैन हैपन कि क्लास इस रूम में ख़त्म हुई है और उसके 10 मिनट बाद अगर दूसरी क्लास उस कैंपस में है तो दैट इज़ एज इक्वल एज़ कि आपने ग्राउंड फ्लोर से तीसरे फ्लोर पर गए। जैसे स्कैन शेरशाह में होता था कि एक क्लास ऊपर है कहीं, एक क्लास नीचे कहीं है, तो वो इतना करीब है कि उससे हम उस कैंपस को इसका पार्ट भी काउंट करेंगे। तो वो इतना करीब हो कि इसका पार्ट भी हो और इतना दूर हो कि आप लोग जो बॉयज़ हैं जो अपने बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अब पता नहीं मतलब चेहरों पर उदासियाँ और मायूसियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन ये है कि आपको जिस तरह का हम एक इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ प्रॉपर तरीके से आप जो है बगैर डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकें, तो आपके पास भी इन्वायरमेंट हो और साइमल्टेनियसली हम ख़वातीन को भी थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड, ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वायरमेंट दे सकें। बस दुआ यही है कि हम उसमें जितना ज़्यादा बेहतरी ला सकें लाएँ, एक दफ़ा कोशिश करें कि हम उनको थोड़ा बेहतर तरीके से, रादर देन कि हम कहें बिल्कुल ही मखलूत हो जाए सिस्टम, रादर देन हम कहें कि इनको पढ़ने का ही हक नहीं है, हम दरमियानी एक अप्रोच के साथ कुछ ना कुछ वो करें। तो बस दुआ करनी है कि उसमें हमें कामयाबी हो जाए। पीपीई का जो है वो फिर वही जो हमने संडे को जिस तरह से प्लान किया हुआ था, जाके मैंने उनसे पूछा तो वो जो पहला वाला बैच था वो मैंने आपको बताया था, वो तो आते भी उन्होंने बता दिया था कि फुल हो गया है। दूसरे बैच में उन्होंने कहा है कि उसमें अवेलेबिलिटी, फिर हमने जो रेलेवेंट टीचर्स हैं एक दो उनसे थोड़ा सा रब्ता करने की कोशिश की, उनकी टाइम की अवेलेबिलिटी। तो अब जो संडे वाला बैच जो 2 हफ्ते बाद वाला था, एक तो था बिल्कुल स्टार्ट वाला मतलब इस संडे, और एक था उस संडे से 2 हफ्ते बाद यकम 2 अक्टूबर के आसपास, वो अब 24 सितंबर को जो संडे है हम उस पर प्लान कर रहे हैं, और वो है भी बड़ा मज़ेदार से टाइम पे, दोपहर 3 से शाम 8 बजे टाइप का टाइम है मेरे ख्याल में, यहाँ कहीं होगा। ओए चले, उम्मीद है लोगों को समझ नहीं आएगी। तो ये बैच हमारा फुल हो चुका हुआ है जो 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, और एक ये 3 बजे वाला जो बैच था ना, ये जो संडे पे प्लान कर रहे थे, ये अब हम 24 सितंबर पे प्लान कर रहे हैं, और मेनली फॉर वो वाले स्टूडेंट जिनका मामला फंसा हुआ है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनको जल्दी से जल्दी कवर करके और अपनी तो इस वाले बैच में उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर के कुछ एडमिशन हमारे पास हुए हुए हैं, तो फिर मैंने उन्हें ये कहा है कि अब इस वक्त हमने ये वाले बैचेज में प्रेफरेंस देनी है इनको, जो हमने कहा था ना कि ये क्वालिफाइंग अटैम्प्ट वालों के लिए ये वाले बैचेज हैं, तो इसमें अगर किसी बच्चे का क्लैश होगा तो हम उसको कहेंगे भाई हमने आपको बैजेस दिखाए ये थे कि ये क्वालिफाइंग वालों के लिए और बाकियों के लिए, और जिसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी वो माइंड नहीं करेगा कि 1 हफ्ते पहले बैच शुरू हो जाए, ज़ाहिर उसको 1 हफ्ते पहले सर्टिफिकेट मिलने से उसको प्लस है। तो 24 सितंबर को जो है वो ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा, ये जो सेकेंड 3 बजे वाला संडे वाला बैच है, और अभी ये सारी प्लानिंग एक कैंपस के हिसाब से हुई है। अब हम इसमें आज हमारी मीटिंग है रात में बैठ के, हम सेकंड कैंपस के हिसाब से देखेंगे कि हम इसमें मज़ीद बैजेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ जितने रूम्स अवेलेबल थे इससे ज़्यादा हम बैच दे भी नहीं सकते थे, हमारे पास उतनी गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सारे कमरों में काफ़ी सारी क्लासेस वगैरह, हमारा जो प्री रिज़ल्ट का लोड है वही अच्छा खासा होता है, उसके बाद फिर गुंजाइश कम बचती है। तो अब सेकंड कैंपस के बाद बीच में 1-2 कमरों की और गुंजाइश निकलेगी, तो थोड़े से कुछ और बैजेस भी हम डिफरेंट डेट्स के बीच में देंगे, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के उससे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आ रहे हैं। दूसरा अभी मैं बैठा हुआ था तो वो एक जैसे साहब ने कहा कि एडवांस एक्सेल या इस तरह से करके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ, एडवांस एक्सेल वॉज अ कोर्स जो हम साल पहले हम भी करवाते थे, दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम, और मैं हमेशा बच्चों से कहता था आप कम से कम एडवांस एक्सेल की तरफ जाएं, एक्सेल को एक खास लेवल से ज़्यादा सीखें वो आपके काम आएगा। अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा कोर्स है उसमें मैंने सर जानजेब से जो एडवांस एक्सेल को भी वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑथेंटिक वे में और बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने करिकुलम और चीज़ें बनाई हुई होती हैं, तो उनसे फिर मैंने ये फरमाइश की थी कि ये कोर्स आईकेएफ की तो मजबूरी है कि आईकेएफ ने कहा है कि ये कोर्स होना चाहिए, इतने आर्स का होना चाहिए, इसमें यही चीज़ें होनी चाहिए, तो बच्चे उस मजबूरी में तो कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई उस कोर्स को करते करते उसको अच्छा लग रहा है वो कोर्स और वो अपना एक स्टेप आगे जाना चाहे, तो इस कोर्स में हमने कुछ इजाफी चीज़ें फॉर लर्निंग डाल दी हैं। आपके 70 आवर्स में रहते हुए आईकेप के करिकुलम से हम थोड़ा बाहर निकल गए हैं, वो बाहर इस तरह से निकले हैं कि आपको मतलब आप एक चीज़ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें 3 तरह की ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस आईकेप ने सिलेबस में डाली हुई, तीसरी नहीं डाली हुई, तो हमने वो तीसरी भी ऐड कर दी है, वो तीसरी नहीं भी करेंगे तो आपके 70 आवर्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसको इस तरह से ऐड किया है कि वो गैर महसूस तरीके से वो एक स्किल आपको आए। दूसरा इसमें एक बड़ा मज़े का डिसीजन लिया था लाइफ टाइम एक्सेस का, हम उसमें देखेंगे कोशिश करेंगे कि हम उसको जिस तरह से कर सके, तो वो ये है कि आप अगर इस एक दफ़ा उस कोर्स में आ जाएं, जो हमारा एडवांस एक्सेल था उसमें ये होता था कि बच्चा आ जाए और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उस कोर्स की एक्सेस हो,
कभी भी वो फील्ड में कहीं फंस जाए, कोई ऑप्शन ना समझ आ रही हो, कुछ और हो, तो वो उस कोर्स को जाके वहाँ से वो एग्जांपल्स देख ले, वो टीचर का बताया हुआ तरीका देख ले। तो इस वक्त जो जाहिर है ये चलता है हमारा कैफ के सेशंस के साथ, हम बैठ के दोबारा से वर्कआउट करके कोशिश करेंगे कि जो एम एस ऑफिस है उसको फॉर लाइफ टाइप का बैच बना दें, कि वो हर वक्त आपके साथ अटैच है। चूँकि मुझे अभी इस वक्त मौका मिला है कि जब ये कोर्स आपने पढ़ना ही है तो मुझे जो आप लोगों की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का मौका मिला है मैं उसको ज़रूर अवेल करूँ, क्योंकि मुझे हमेशा चैलेंज ये होता है कि हमारे पास खासतौर पर स्कैन शेरशाह में होते थे तो बहुत ही ज़्यादा उस तरह की ऑडियंस होती थी जो वैसे ही मतलब बड़ा मुश्किल में है, मतलब वो उनको वर्ड कंप्यूटर भी जो है वो हम बता रहे होते थे कि कंप्यूटर एक चीज़ है और उस पर इस तरह से मामला। तो उन लोगों ने आगे चल के इन फॉर्मों में जॉब्स करनी है, तो मेरा हमेशा दिल करता था कि उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ किया जाए। ये सेशन मैं वहाँ पर भी करता था, हालांकि इसका कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं था, या वहाँ इवन अगर हो सकता आप कहीं तो पीपी बेचना शुरू कर दिया, वहाँ उस वक्त तो पीपी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, बस मकसद ये होता था कि आप लोगों की मदद की जाए। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स में कोशिश ये की है कि एडवांस मटेरियल भी हो, और फिर आप दुआ कीजिएगा हम अगर एक दफ़ा इस तरह की स्ट्रीमिंग का सर्वर ले लें जिसके ऊपर हमारी स्ट्रीमिंग की कॉस्ट थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, तो हम आप लोगों को लाइफ टाइम एक्सेस टाइप की चीज़ देने की कोशिश करें कि वो कोर्स फॉर एवर वहाँ तक पड़ा हुआ हो, जब तक टीचर अवेलेबल है, वो वेबसाइट अवेलेबल है, आप अवेलेबल हैं, तो जब तक फॉर एवर का मतलब है जब तक भी मतलब हमारे लिए पॉसिबल होगा आपकी उसमें एक्सेस रहे, तो वो मतलब आपने ये नहीं सोचना कि ये कोर्स है बस करके साइड पे कर दिया, वो इंशाल्लाह ताला फॉर्म में भी आपके काम आएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज जो डिस्कशन हुई, जो गाइडेंस वगैरह है, मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बताया, फिर आपको एक थोड़ा सा कमर्शियल पर्सपेक्टिव भी दिया, और ज़ाहिर सर ने अपनी टोन में बात की। मज़े की बात है, दिस इज़ द टोन ऑफ इंडस्ट्री, इतना ही देसी माहौल है। हम लोग ऐवें ही सोचते रहते हैं कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड माहौल होगा, बड़े शीशे लगे हुए होंगे, बड़ा जो है ना, ज़्यादातर हमारी फर्म्स के तो दरवाजे नहीं मिलते कि ये कहाँ से है, मार्केटों के पास से अचानक से दरवाज़ा निकलता है, दरवाजे के किनारे पे जाला लगा हुआ होता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा देसी तरीके से चल रही हैं ज़्यादातर फर्म्स। तो आप अपने जहन में बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन मत बना के जाइएगा, तकरीबन इसी तरह का, और ये एक बेहतर फर्म से सर हैं और सर ने उसका वो बताया है, तो वहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं ना उनका थिंकिंग पैटर्न, उनकी बात करने का तरीका तकरीबन यही है। हम एक देसी मुल्क में बैठे हैं, यहाँ ऊपर के लोग भी देसी हैं, पार्टनर भी देसी हैं, दरमियान में एक लेयर है जिसमें थोड़ी देर के लिए हमें विलायती बनना पड़ता है। तो अगर किसी थोड़ी सी देर के लिए अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़े, अपनी शक्ल बदलनी पड़े, तो बदल लें। वंस उस माहौल में आ जाए, आप काम करना शुरू करते हैं, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा आपने कपड़े किस तरह के पहने हुए, आप किस तरह से। लेकिन अगर आप आज कहेंगे कि मैं अपने नज़रियात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो वो गलत है। मुझे बड़ा दुख होगा कि हमारा एक कंपिटेंट बच्चा, मैं हर दफ़ा इस चीज़ पे बड़ा दुख करता था, अब अल्लाह का शुक्र हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई, स्कैन शेरशाह वर्सेस पैक, मुझे हर दफ़ा ये होता था कि अगर फर्म में बच्चे गए हैं किसी फर्म में, तो अगर इन दो कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो 80% ऑफ इन दोनों कॉलेजेस में से 80% बच्चा पैक का होता था, 20% स्कैन शेरशाह का पहुंच पाता था, क्योंकि पैक का बच्चा कॉन्फिडेंट होता था, ज़्यादा ग्रूम्ड होता था, ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलता था, और यहाँ वाले बच्चे जो है वो उनकी नमाज़ें पूरी होती थी, वो उनकी इबादात का उन्हें पता था, उनको शरई मसाइल का पता था, लेकिन उनको दुनियादारी का नहीं पता था। और बहरहाल अनफॉर्चुनेटली जब आप हैं दुनिया में तो आपको उस दुनियादारी का भी पता होना चाहिए। तो बस ये है कि ये कोशिश हम ज़रूर करते रहेंगे, हम दोनों रंग में ये चीज़ें चलते रहेंगे, वो जवाब साहब जो है वो रूहानी महफिलें यहाँ करते रहेंगे, और हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा आपको आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि हम एक दरमियानी अप्रोच में आएँ, रादर देन आप किसी एक एक्सट्रीम की तरफ चले जाएँ। हमारे जितना कमर्शियल भी नहीं होना, उन जितना रूहानी भी नहीं होना, उनसे अच्छी बातें लेनी है, हमसे कमर्शियल बात सुन लेनी है, दरमियान का रास्ता अपनाना है, जिसमें आप कमर्शियलिज्म को भी साथ साथ देख के चलें, मतलब ये आपका हक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह जाएं और आपसे एक बारगेन हो रही हो, हाँ भाई कितने पैसे लोगे नौकरी करते हुए, और आप कहेंगे वो जवाब साहब ने तो बताया था कि दुनिया आर्जी है और बंदे को बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है वो बात अपनी जगह वैलिड है, लेकिन इस वक्त आपके पास ऑप्शन है, आप अगर ज़्यादा मांग सकते हो और मांग के एक्स्ट्रा उठा के खुद ही से ज़कात दे दिया करें, खुद ही से किसी मस्जिद में जमा करा दें, तो इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी तो आप ज़्यादा मांगें। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैसा कमा के आप डिसाइड करें कि मैं इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करूँ, तो फिर मज़ेदारी की बात है। तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों सफ़र साथ साथ जारी रहेंगे, रूहानी सफ़र भी चलता रहेगा और उसमें हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा तड़का जो है दुनिया का भी लगाते रहेंगे। तो होपफुली आप लोगों को गेम समझ आई है कि क्या है। अब आपने अगले दो एक दिन रुक के जल्दी जल्दी से यहाँ पे इन सारी फर्मों को चक्कर फ़ोन छून वगैरह करके देखना है कि क्या है,
उसके बाद हो सकता है 2-1 हफ्ते ठंडे हो, आप घरों को चले जाएं। अगर आप पीपीई वाले लोग नहीं हैं, जो फंसे हुए हैं उन्होंने उस वक्त कसूर किया था, टाइम से नहीं लिया, वो तो फिर उनको रुकना पड़ेगा लाहौर। बाकी लोग जल्दी से जाएं, 2-1 हफ्ते के लिए घर होके आएँ, तसल्ली से मिलें सबसे, और फिर यही है कि रिजल्ट के आसपास या बीच में लाहौर आएँ और हल्का हल्का सा कोशिश करते रहें। अगर घर रुक सकें तो अलर्ट रहें और कम अज़ कम जो है वो कोई 1-2 वीक में एक आध चक्कर लाहौर का लगा लें। और अगर पीपी कर रहे हैं तो फिर एक संडे वाला बैच पकड़ें, सैटरडे की रात आएँ, संडे का बैच अटेंड करें और संडे को वापस निकल जाएं। थोड़ा सा कनेक्टेड भी रहेंगे लाहौर से और घर का माहौल भी रहेगा, ताकि आपको हॉस्टल का खर्चा भी ना पड़े। तो जिनको हॉस्टल का खर्चा करना ही करना है तो फिर वो ज़्यादा टाइम लाहौर स्पेंड कर लें तो बेहतर होगा। घर वालों को भी आप देर तक वेले अच्छे नहीं लगेंगे, वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे, बेटा तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं कहीं, फिर आप उनसे छुपना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर है कि इस टाइम को आपने इंटेलिजेंटली प्लान करना है। आपको गेम प्लान सारा समझ आ गया है, एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, कुछ मेरिट बेस्ड है, कुछ अनफॉर्चुनेटली सिफारिश बेस्ड है, इन सब की मिक्सिंग है। अच्छे की कोशिश करनी है, हविस नहीं करनी है, एक खास लेवल से ज़्यादा लालच नहीं करना, जो मिल रहा है उस पर सेटल कर जाना है। कोशिश करते रहना 2 महीने का प्रोबेशन टाइम में, मीनवाइल आपको हो सकता है कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन टांग अगर कहीं फंसा सकते हैं तो फंसा लें। ज़हनी तौर पर आज़ाद होंगे कि मेरी फर्म वाला मामला तो सेटल हो गया, मैं आगे के बारे में सोचूँ। डन, तो फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अजमल साहब भी यहीं पे मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। अभी तकरीबन कोई है 40-50 मिनट तक हम लोगों की आगे एक एक्टिविटी प्लान है, तो उससे पहले टाइम है, तो मुझे आप लोगों ने पहले ही पकड़ लिया था सब ने, अब बारी है सर अजमल को पकड़ने की। तो उनको अगर आप आउट ऑफ क्लास पकड़ना चाहें तो वो आपको बाहर कहीं ना कहीं जो है वो शायद फ्रंट ऑफिस के आसपास आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे, तो आपने उन्हें पकड़ लेना है। और मैं किसी मैनेजमेंट के कमरे में घुस जाऊंगा, क्योंकि हमने अभी वो ये सेकंड कैंपस से रिलेटेड एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग है और शायद हमने कल उसकी टाइम टेबल्स वगैरह भी सेपरेटली देने हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें फंसा हुआ हूँ। खैर, फंसा हुआ होने के बावजूद भी मैंने सवाल जवाब पहले भी सारे दे दिए थे, और जो बाहर गैलरी में बच्चे मिले थे वो भी जवाब दे दिए थे। तो बस मैं अब आपसे रुखसत चाहूँगा, और अजमल साहब को आप लोगों ने अगर ज़रूरत समझे तो पकड़ लेना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पर लेते रहिएगा।